Hello students, myself Ayushi Tak. I welcome you on Envira online school. Today we will start our second part for chapter 9 class 4th English. So जो स्टोरी थी वो हमने फर्स्ट पार्ट में रीड किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए, न्यू वर्ड्स देखे. सो जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी? टू बटरफ्लाइज के बारे में थी. जो ब्रदर सिस्टर्स थे वो लोग लॉस्ट हो गए थे, देन उनको एक आइडिया से उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरों को ढूंढा. सो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो हमने रीड कर ली एंड क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर दिए. नाउ वी आर डूइंग मैनी मोर एक्टिविटीज इन दिस पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर थर्ड. फर्स्ट एंड सेकेंड वी कंप्लीट. फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड सेकेंड जो था उसमें हमें क्या दिया हुआ था? टू बटरफ्लाइज दी हुई थी, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना था कि कौन सा पीटर है और कौन सा कैटर है. नाउ दिस इज द थर्ड एक्टिविटी. सो थर्ड एक्टिविटी में क्या है? राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस. अलग अलग स्टेजेस के हमको क्या लिखने हैं? नेम लिखने हैं ऑफ अ बटरफ्लाई लाइफ. बटरफ्लाई की लाइफ के हमें क्या लिखने? अलग अलग एजेस लिखने. जस्ट लाइक जो ह्यूमन बींग होते हैं वो पहले चाइल्ड होते हैं, फिर वो एडल्ट बनते हैं, फिर वो ओल्ड हो जाते हैं, राइट? वैसे ही जो बटरफ्लाइज भी होती हैं उनकी भी क्या होती है? एक लाइफ साइकिल होता है. तो जो बटरफ्लाई के जो स्टेजेस है उसके बारे में लिखना है विद रेफरेंस टू द स्टोरी यू जस्ट रीड. हमने स्टोरी के अंदर देखा था. सो सबसे पहले जो बटरफ्लाई होता है वो क्या होता है? एक एग होता है. एग मीन्स क्या होता है? उसका एक अंडा होता है. ये देखो यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है, सबसे पहले वो क्या होता है? एक अंडा होता है. देन वो क्या बन जाता है? एक कैटरपिलर बन जाता है. क्या बन जाता है? इस एग से क्या चेंज हो जाता है? वो कैटरपिलर में चेंज होता है. तो नेक्स्ट स्टेज होता है अपना कैटरपिलर. क्या होता है? कैटरपिलर. कैटरपिलर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इली. नेक्स्ट वो क्या करता है? देखो इस टाइप से वो अपने कोकून के अंदर क्या हो जाता है? कवर हो जाता है. तो इसको अपन बोलते हैं पूपा. क्या बोलते हैं? पूपा. फर्स्ट ऑफ ऑल एग, देन कैटरपिलर एंड देन पूपा. फिर इस पूपा में से ये जो बटरफ्लाई है ये देखो ये बाहर निकल रही है. तो चाइल्ड बटरफ्लाई, चाइल्ड बटरफ्लाई मीन्स छोटी सी बटरफ्लाई. एंड देन इसके बाद जो बटरफ्लाई है वो क्या बन जाती है? अडल्ट बन जाती है. एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी क्या बन जाती है? बटरफ्लाई. फिर ये जो बटरफ्लाई होती है फिर एक एग देती है, फिर एग कैटरपिलर, फिर पूपा, देन चाइल्ड एंड देन बटरफ्लाई. ऐसे ये जो सर्कल है ये चलता ही रहता है. सो इसके डिफरेंट फर्स्ट एग, सेकेंड कैटरपिलर, थर्ड पूपा, फोर्थ चाइल्ड एंड फिफ्थ एडल्ट. ओके, सो हियर वी ट्राइड द नेम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ बटरफ्लाईज लाइफ. ओके, नेक्स्ट नंबर फोर्थ एक्टिविटी नंबर फोर, फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक्स को क्या करना है? फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर वन, कैटर एंड पीटर लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ बिग ट्री. सो कौन सा ट्री था जिसके ऊपर वो रहते थे? वेरी गुड, एन ओक ट्री. ये क्या था? बहुत बड़ा ओक ट्री था. नंबर टू, सून मीन्स जल्द ही. इट वॉज टाइम, ये टाइम था फॉर पीटर एंड कैटर, पीटर और कैटर का टू मेक दायर. क्या बनाने का टाइम आ चुका था उनका? जब उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय बोला था तो क्या बनाने वाले थे? वो कोकून. क्या बनाने वाले थे? कोकून बनाने वाले थे. उस कोकून बनाने के लिए उनका क्या आ चुका था? टाइम आ चुका था. नंबर थ्री, देन दे ब्लैंक देयर कोकून एंड सील्ड देमसेल्फ इनसाइड. उन्होंने क्या करा? अपने कोकून को अपने चारों तरफ से ढक लिया. चारों तरफ से ढकना को हम बोलते स्पन.
Then they spun their cocoon and sealed or बंद कर लिया themselves inside. उसके अंदर उन्होंने क्या कर लिया? अपने आप को बंद कर लिया. Number four, cattle had turned into a blank with yellow body. क्या बन चुकी थी? Cattle had turned into a बटरफ्लाई. जो कैटर थी वो किसमें चेंज हो चुकी थी? एक बटरफ्लाई में. विद येलो बॉडी, एक येलो बॉडी की बटरफ्लाई में वो क्या हो चुकी थी? चेंज हो चुकी थी. नंबर फाइव, पीटर हर्ड, पीटर ने सुना है सिस्टर्स, अपनी सिस्टर्स की ब्लैंक एंड टर्न टू सी अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. उसने क्या सुनी? अपनी सिस्टर की वॉइस, आवाज सुनी और वो उसको देखने के लिए टर्न हो गया. तो यहाँ लिखते हैं वॉइस. पीटर हर्ड हिज सिस्टर्स वॉइस. पीटर ने उसकी सिस्टर की वॉइस को सुना एंड टर्न टू सी अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. और क्या हो गया? अपनी ब्यूटिफुल बटरफ्लाई को देखने के लिए वो टर्न हो गया. सो ये फोर्थ एक्टिविटी कंप्लीट. नेक्स्ट, स्पेल इट राइट. हमें इसको अच्छे से स्पेलिंग बोलना है. टिक ऑन द करेक्ट स्पेलिंग. नीचे कुछ रोज दी गई है, इसके अंदर से हमको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसके ऊपर क्या बनाना है? टिक करना है. सो फर्स्ट स्पेलिंग है कोकुन की. सो कौन सी जो स्पेलिंग है वो एकदम करेक्ट स्पेलिंग है? सो पहले हम देखते हैं कोकुन की स्पेलिंग क्या होती है. द स्पेलिंग ऑफ कोकुन इज सी ओ सी डबल ओ एन. सो कौन सी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है? नंबर वन, नो. सेकेंड, यस. दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग सी ओ सी डबल ओ एन, कोकुन. नेक्स्ट स्पेलिंग है कैटरपिलर की. सो कैटरपिलर की कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? सो सी ए टी ई आर पी आई डबल एल ई आर, नो. सी ए टी ई आर पी आई एल ई आर, नो. सी ए T-E-R P-I-L-L-A-R, caterpillar. Yes, this is the correct spelling of caterpillar. Next है हमारे पास recognize. So recognize की कौन सी spelling क्या होती है? How do you spell recognize? R-E-C-O-G-N-I-Z-E, recognize. So where is the spelling of recognize? This? No. This? Yes, this is the correct spelling of recognize. Recognize means पहचानना. Next spelling है direction. So direction की कौन सी spelling correct होती है? How do you spell direction? D I R E C T I O N, direction. So which spelling is correct? Very good. Number one, this is the correct spelling of direction. Direction means disha. East, west, north, south. ये जो four है ये main directions है. Next spelling है together. So which is this? How do you spell together? T O G E T H A R, together. So which spelling is correct? This. No. Number two, yes, this is the correct spelling of together. So here we complete all. So spelling of cocoon, spelling of caterpillar, recognize, direction and together. You have to learn these spellings. Okay, let's go to the next step now. Vocabulary. So search for at least 8 words. कितने words find search करने हमको? 8 words search करने हैं. That started with letter C in the story. इस story में से C letter से start होने वाले हमको क्या करने हैं? 8 word को search करना है. So search करें हम. So first हमने जो word जो read किया, learn किया था, जो पढ़ा था हमने इस chapter के अंदर, वो था cocoon. सी ओ सी डबल ओ एन, कोकुन. नेक्स्ट है अपना कैटरपिलर, राइट. नेक्स्ट कॉलिंग, उसको बुला रहे थे.
Calling continued. Next closed. Change. Cut. So ये जो हमने 8 words थे, ये हमने किससे start करे? Letter C से. अब आपको एक homework दिया जा रहा है कि आपको word start करना है B से. B letter से start होने वाले जितने भी words आपके chapter में आए हैं, आपको उनको क्या करना है? Search करना है, means ढूंढना है. You have to search at least 8 words. Otherwise आप ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा भी. So, ए आपको लेटर वर्ड्स फाइंड करने हैं जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं. लेटर बी. बी फॉर बटरफ्लाई. ओके, सो यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स. लेट्स लर्न व्हाट अनकाउंटिंग थिंग्स. ऐसे थिंग्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. थिंग्स मीन्स क्या होता है? वस्तुएं, चीजें. ऐसी थिंग्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. देयर आर सम थिंग्स. कुछ ऐसी थिंग्स होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है दैट वी कैन नॉट काउंट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. सच एज फ्लोर. फ्लोर को हम काउंट नहीं कर सकते. व्हीट, गेहूं एंड ब्रेड. इन चीजों को हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते. बट वी कैन से, हम क्या बोलते हैं? A sack of flour, a grain of wheat and a loaf of bread. अब जो फ्लोर होता है, अब फ्लोर को हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे हम जो आटा जो खाते हैं, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? जिससे हम रोटी बनाते हैं, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते. हम ऐसे नहीं बोल सकते एक आटा दो आटा, नहीं ना. तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे? उसके लिए हम क्या लेते हैं? एक यूनिट लेते हैं. क्या लेते हैं? यूनिट. तो हमने यहाँ जो फ्लोर है, फ्लोर की जो यूनिट होती है, या तो आप किसी बोल से उसको मेजर कर सकते हो, एक बोल दो बोल, राइट. एनीवेज यहाँ जो सेक, सेक मीन्स क्या होती है? जो बोरी होती है जिसके अंदर वो फ्लोर होता है, वो जो फ्लोर होता है उस बोरी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर हम उसको बताते हैं कि कितना है, एक है दो है तीन है, राइट. नेक्स्ट, अ ग्रेन ऑफ व्हीट. अ ग्रेन ऑफ वीट. वीट को भी जब जिस किसी भी बर्तन के अंदर या किसी भी चीज के अंदर डालकर, किसी भी यूटेंशियल के अंदर डालकर हम उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं. जस्ट लाइक ब्रेड. ब्रेड को भी हम क्या करते हैं? एक लूफ के रूप में उसको क्या करते हैं? काउंट करते हैं. नाउ मैच द टू कॉलम्स टू शो हाउ टू टॉक अबाउट थिंग्स वी कैन नॉट काउंट. ऐसी थिंग्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको कैसे उनके बारे में बात करते हैं? तो फर्स्ट है हमारा चॉकलेट. क्या है? चॉकलेट. चॉकलेट को हम क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते. एक चॉकलेट, दो चॉकलेट, नो. उसका क्या आता है? एक बार आता है. चॉकलेट किस में आती है? पैकेट में आती है. तो उस पैकेट को काउंट किया जाता है, ना कि उसके अंदर की चॉकलेट को काउंट किया जाता है. तो होता है अ बार ऑफ चॉकलेट. क्या होता है? चॉकलेट का एक बार होता है. जैसे डेरी मिल्क आता है, तो डेरी मिल्क की जो चॉकलेट होती है वो पैकेट के अंदर आती है. तो हम उस पैकेट को काउंट करते हैं, ना कि हम उस चॉकलेट को काउंट करते हैं. नेक्स्ट, टूथपेस्ट. टूथपेस्ट किसके अंदर आता है? ये देखो यहाँ पे, टूथपेस्ट किसके अंदर आता है? ट्यूब के अंदर आता है. तो हम उसको, टूथपेस्ट को काउंट नहीं करते. हम किसको काउंट करते हैं? ट्यूब को काउंट करते हैं. सो अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट. उसकी जो कितनी ट्यूब लानी है? 1 ट्यूब 2 ट्यूब, राइट. नेक्स्ट, मिल्क. मिल्क को भी हम काउंट नहीं कर सकते. ऐसे थोड़ी ना बोल दे एक मिल्क दो मिल्क, नो. हम कैसे मेजर कर सकते हैं उसको? या तो हम किसी लीटर की, लीटर से उसको मेजर करते हैं. एनीवेज यहाँ क्या दिया हुआ है हमको? अ ग्लास, स्लाइस. स्लाइस तो होता ही नहीं है मिल्क का. शीट, नो. जार, नो. तो यहाँ पे हम किससे मेजर कर सकते हैं? अ ग्लास ऑफ मिल्क. जार से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं. बट यहाँ जो सूटेबल लग रहा है वो है ग्लास. अ ग्लास ऑफ मिल्क. नेक्स्ट, पेपर. पेपर की क्या होती है? एक
शीट होती है, तो हम पेपर को किससे मेजर करते हैं? शीट से, अ शीट ऑफ पेपर। नेक्स्ट जैम, जैम को हम किससे करेंगे? जैम किसके अंदर डाला जाता है? जार के अंदर, तो अ जार ऑफ जैम। एंड द लास्ट वन इज अ स्लाइस ऑफ केक, केक की क्या होती है? स्लाइस होती है, उसके क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं, राइट? तो ऐसी थिंग जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए हम क्या लेते हैं? कुछ एक यूनिट लेते हैं, जस्ट लाइक अ ग्लास ऑफ और जो वाटर होता है, तो हम क्या बॉटल के अंदर उस वाटर को रखते हैं और उस बॉटल को क्या करते हैं? हम काउंट करते हैं, ओके? अब हमें अगर कुकिंग भी करना होता है तो हम क्या करते हैं? जैसे हम बोलते हैं एक वन बोल में क्या लेना है? हमको राइस लेना है, और फिर टू बोल में हमको राइस वाटर लेना है। तो जिन चीज़ों को राइस को हम काउंट नहीं कर सकते ना, एक राइस दो राइस ना, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? बोल लेते हैं, उस बोल से हम उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जस्ट आपने जो कुकिंग के जो वीडियोस होंगे वो भी देखे होंगे, उनके लिए भी जो मेजरमेंट होता है तो उसके लिए भी क्या यूज किए जाते हैं? कप्स यूज किए जाते हैं, राइट? तो ऐसी थिंग्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उन्हें काउंट करने के लिए हम क्या लेते हैं? कुछ थिंग्स का यूज करते हैं, ओके? तो दिस इज कॉल्ड अनकाउंटिंग थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर जोन। अब ग्रामर जोन में क्या होता है? कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स मीन्स क्या होता है? कुछ नंबर्स होते हैं, कार्डिनल्स अलग नंबर होते हैं एंड ऑर्डिनल्स अलग नंबर होते हैं। तो वही चीज हम आज यहां पे रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, रीड द फॉलोइंग। तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर्स, ओके? सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए, रीड करते हैं। फर्स्ट दिया गया है, वी विल डिक्लेयर द रिजल्ट आफ्टर 3 days। जो रिजल्ट है वो कितने दिनों बाद दिया जाएगा? 3 days के बाद दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड, रॉबिन गॉट द फर्स्ट प्राइज एट द जालवेन थ्रो। सो देयर इज 3 and 1st, दिस आर कॉल्ड कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। अब इसमें से किसको कार्डिनल बोला जाता है, किसको ऑर्डिनल बोला जाता है, वो हम चेक करते हैं। In the first sentence, जो first sentence है, the word 3, जो word आया है 3 में, answer the question, how many? जो 3 है वो किसका answer दे रहा है? How many means क्या होता है? कितने? तो sentence क्या था हमारा? We will declare the result after 3 days. जो result है वो कितने दिनों बाद दिया जाएगा? 3 days के बाद। तो 3 किसका आंसर दे रहा है? हाउ मैनी का। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द नाउन डेज। जो डेज जो नाउन है उसको क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। नंबर्स सच एज 1, 2, 3, 50 and 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 to 100,000। That the answer of question how many, ये जो numbers है ये किसका answer देते हैं हमको? How many means कितने, इसका answer हमको ये देते हैं। Are called cardinals numbers। इन numbers को क्या बोला जाता है? Cardinals numbers बोला जाता है। So जो 1, 2, 3 जो normal numbers हम use करते हैं वो होते हैं cardinals numbers। क्या होते हैं? Cardinal numbers। And the second sentence, जो second sentence है, the word first, answer the question, what position, जो order बताता है, जो position बताता है, and also describes the noun prize, words such as first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 8th, just like in which class do you read? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो आप क्या बोलोगे? We are read. आप ये नहीं बोलोगे कि हम 4 क्लास में पढ़ते हैं। आप ये आपका आंसर क्या होगा? We are read in class 4th. Fourth. So जो 4th है वो क्या है? एक ordinal number है। क्या है? Ordinal number. First class, first class, second class, third. If
अगर आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जो पोजीशन मिलती है जस्ट लाइक फोर्थ सेकंड थर्ड प्राइस राइट. सो वो सब जो होते हैं जब क्या बताते हैं ऑर्डर को बताते हैं. किसको बताते हैं? ऑर्डर को. तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल नंबर. कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं और कई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके हम ऑर्डिनल नंबर का यूज करते हैं. सो अब यहाँ पे हमको कोई एक्सरसाइज दी गई है तो राइट द करेक्ट कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर टू कंप्लीट ई सेंटेंस. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या करना है? कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर को, दोनों में से एक को क्या करना है? फिल करना है. तो फर्स्ट है वी लिव इन अ बिल्डिंग विच हैज फ्लोर्स. हम एक बिल्डिंग में रहते हैं जिसके कितने फ्लोर्स है? टोटल फ्लोर बताने हैं. तो टोटल उसके कितने फ्लोर है? 7 फ्लोर. वो ये नहीं पूछ रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर को, नहीं पूछ रहा है. वो कह रहा है आपके जो फ्लोर, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वहां पर कितने फ्लोर है. आप हिंदी में क्या बोलोगे? मैं आपसे आंसर कितने. आप वी लिव इन अ बिल्डिंग विच हैज फ्लोर्स. तो आप जिस बिल्डिंग में रहते हो उस बिल्डिंग में कितने, कितने मींस क्या हो गया? हाउ मैनी. और हाउ मैनी का आंसर देने के लिए हम कौन से नंबर यूज करते हैं? कार्डिनल और ऑर्डिनल. वेरी गुड. हाउ मैनी का आंसर देने के लिए हम कार्डिनल नंबर का यूज करते हैं. तो 7 और 7th. इसमें से कार्डिनल नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 7. 7 इज कार्डिनल नंबर. सो वी लिव इन अ बिल्डिंग. हम एक बिल्डिंग में रहते हैं विच हैज 7 फ्लोर्स. जिसमें कितने फ्लोर्स है? 7 फ्लोर्स है. नेक्स्ट दे लिव ऑन द ब्लैंक फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. वो इस फ्लोर के कौन से फ्लोर पे, सॉरी इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पे रहते हैं? तो यहाँ हाउ मैनी नहीं आया, कितने नहीं आया. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑर्डिनल नंबर यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? ऑर्डिनल नंबर. सो 3 and 3rd. विच इज ऑर्डिनल नंबर? वेरी गुड, 3rd. दे लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग. वे इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे रहते हैं. उनकी पोजीशन बता रहा है, उनकी जगह बता रहा है कि वो यहां पर रहते हैं. नंबर 3, आई एम गोइंग अप ब्लैंक फ्लोर्स टू मीट माई सिस्टर. मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए ऊपर कौन से फ्लोर पे गया? 2 और 2nd. आपकी पोजीशन बता रहा है कि जो आपकी सिस्टर है वो कहाँ रहती है? 2nd फ्लोर पे रहती है. आपको ये नहीं पूछा कि कितने फ्लोर पे गए, आप कौन से फ्लोर पे गए. आपकी पोजीशन पूछ रहा है. तो आई एम गोइंग अप टू, गोइंग अप 2 फ्लोर्स. यहां क्या होगा? आई एम गोइंग अप ब्लैंक फ्लोर्स टू मीट माई सिस्टर. मैं अपनी सिस्टर से मिलने के लिए इतने फ्लोर ऊपर गया. आप कितने फ्लोर ऊपर गए? इतने फ्लोर. कितने? 2 फ्लोर्स. सो यहां पे कितने, हाउ मैनी का आंसर पूछ रहा है. सो हम यहां लिखेंगे कार्डिनल नंबर मीन्स 2. नंबर 4, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर ब्लैंक एनिवर्सरी. वो अपनी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं? कितनी नहीं, कौन सी. सो दे आर सेलिब्रेट देयर 9th एनिवर्सरी. जब आपको पूछा जाए कितने, तब आपको यूज करना है कार्डिनल. उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो वहां हमको यूज करना है ऑर्डिनल नंबर. नंबर 5, ही इज ब्लैंक ईयर ओल्ड नाउ. ही इज ब्लैंक ईयर्स ओल्ड नाउ. वो कितने साल का है? कितने, हाउ मैनी. सो हियर वी यूज कार्डिनल नंबर. सो 9 और 9th. Which is cardinal number? 9 or 9th. Very good, 9. He is 9 years old now. And you see one more thing, where the plural form is used, there we use cardinal number. And where the singular form, we use ordinal number. Right? So,
we learn about cardinal and ordinal numbers. Next, degrees of compression. Degrees of compression, ये किसके अंदर आता है? Compression means क्या होता है? किसी भी चीज को क्या करना? Compare करना. अब compare करने के लिए हम कौन से word कब use करते हैं? वो हम यहाँ पे read करते हैं. Read the following sentences. नीचे जो sentence दिए हैं, उनको आपको क्या करना है? Read करना है. Okay, first let's read. Number one, give me a thick diary. मुझे एक thick diary means एक मोटी diary दो. तो ये क्या है? Adjective है. उसकी विशेषता बता रहा है. किसकी? Diary की. कैसी diary चाहिए आपको? Thick, मोटी diary चाहिए. Next, give me a diary thicker than this one. Thicker than this one. यहाँ पे दो diary, उसके पास एक diary already है. अब वो कह रहा है इससे ज्यादा thick diary मुझे दो. Next, number three, give me the thickest diary you have. Thickest means सबसे ज्यादा जो तुम्हारे पास, सबसे जो मोटी diary है तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो. In each of these sentences, जो ऊपर जो sentence दिए गए हैं, we have used the adjective thick. Adjective means क्या होता है? विशेषण. जो किसी भी noun या pronoun की क्या बताता है? विशेषता बताता है, characteristic बताता है. उसको क्या बोलते हैं? Adjective बोलते हैं. Thick means क्या है? मोटा. Diary यहाँ पे क्या है? Noun है. तो जो डायरी है उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसी डायरी चाहिए आपको? मोटी डायरी चाहिए. टू डिस्क्राइब द डायरी, डायरी को डिस्क्राइब करने के लिए हमने थिक एडजेक्टिव का यहाँ पे क्या किया? यूज किया. इन द फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या किया? द डायरी हैज सिंपली डिस्क्राइब एज थिक. जो डायरी है उसको हमने नॉर्मली बोला कि मुझे कैसी डायरी चाहिए? मुझे थिक यानी मोटी डायरी चाहिए. हियर वी हैव यूज्ड द पॉजिटिव डिग्री. हमने यहाँ कौन सी डिग्री यूज करी? पॉजिटिव डिग्री ऑफ थिक. थिक की जो पॉजिटिव डिग्री है वो हमने यहाँ पे यूज कर ली. एंड द सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या किया? वी हैव कंपेयर. हमने क्या किया? कंपेयर्ड किया टू डायरीज. कोई भी दो जो डायरी थी उसको हमने कंपेयर किया. मींस मेरे पास ये डायरी है, इससे मोटी वाली डायरी मुझे दे दो. तो इन दोनों डायरी को क्या किया? मैंने कंपेयर किया. तो ये तो हो गई पतली और ये क्या हो गई? मोटी हो गई. इससे मोटी हो गई. हियर वी हैव यूज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ थिक. यहाँ पे हमने क्या यूज किया? थिक की कंपेरेटिव डिग्री. मतलब हमने दो चीज को क्या किया? कंपेयर किया. So we add er. तो हमने वहां पे क्या ऐड कर दिया? कंपेरेटिव डिग्री में हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ क्या ऐड करते हैं? er यूज करते हैं. टू थिक, थिक के साथ हमने er ऐड कर दिया. टू मेक कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने क्या करा? थिक के साथ er ऐड कर दिया. तो जो कंपेरेटिव डिग्री हो गई वो हो गई थिकर. सो पॉजिटिव डिग्री हो गई थिक एंड द कंपैरेटिव डिग्री इज थिकर. ये हो गई दो डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री. वी ऑल्सो यूज दैन. हमको क्या यूज करना है? दैन यूज करना है विल मेकिंग द कंप्रेशन. किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए हमको क्या यूज करना है? देन यूज करना है. इन द थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ? वी हैव कंपेयर्ड वन डायरी टू ऑल द अदर डायरीज. हमने क्या किया? एक डायरी को सारी डायरीज के साथ क्या किया? कंपेयर किया. मींस हमने क्या क्या, हमको सबसे ज्यादा जो मोटी डायरी है वो हमें चाहिए. हियर वी हैव यूज द सुपरलेटिव डिग्री. फर्स्ट हमने यूज की पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री एंड थर्ड हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ थिक. थिक की सुपरलेटिव डिग्री. सो वी एड est और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं?
est to thick. Thick के साथ हमने est ऐड कर दिया तो वो क्या बन गई उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन गई. टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री वी ऑलवेज यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा जो आर्टिकल होता है वो क्या यूज आता है द यूज आता है. क्या यूज आता है द. हियर आर सम एग्जांपल्स. सो डिग्रीज कितनी होती है पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. सो स्मॉल मींस छोटा नॉर्मल वह आदमी छोटा है. स्मॉलर जब हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे और स्मॉलेस्ट जिस एक को हम सारी चीजों से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे. टॉल टॉलर टॉलेस्ट पुअर पुअरर पुअरेस्ट. सो मेन थिंग इज कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एडजेक्टिव के साथ ईआर ऐड करते हैं. सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम एडजेक्टिव के साथ ईएसटी ऐड करते हैं. नाउ रीड दिस टेबल. नीचे आपको एक टेबल दी गई है टू लर्न अदर रूल्स फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं. अब अगर आपको किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट में क्या मिलता है ई मिलता है. क्या मिलता है ई. जस्ट लाइक नाइस इसमें लास्ट में क्या है हमारे पास ई. तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने को सिर्फ क्या ऐड करना है आर और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ एस टी क्योंकि ई तो ऑलरेडी हमारे पास है. अब जो एडजेक्टिव हो वो किससे एंड हो वाई से. लास्ट एंडिंग लेटर क्या होना चाहिए उसका वाई. और वाई के पहले क्या होगा कॉन्सोनेंट. क्या होगा कॉन्सोनेंट. तो क्या होगा तो इस वाई को हटा के हम क्या कर देंगे आई बना देंगे और लास्ट में ई आर. सो बिजियर एंड बिजिएस्ट. ओके वाई को हटा के हमको आई बनाना है उसके बाद ई आर और ई एस टी एड करना है. नेक्स्ट वोवल सिंगल कॉन्सोनेंट. अगर सिंगल कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले वोवल होता है तो क्या करना है बिग. कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे हम डबल कर देंगे. क्या कर देंगे डबल. सो बिगर एंड बिगेस्ट. ओके नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. वन हैज बीन डन फॉर यू. पॉजिटिव स्वीट कंपैरेटिव स्वीटर एंड सुपरलेटिव स्वीटेस्ट. ओके नेक्स्ट पॉजिटिव फास्ट कंपैरेटिव फास्टर एंड सुपरलेटिव इज वेरी गुड इज फास्टेस्ट. ईएसटी ऐड करेंगे. नेक्स्ट कंपैरेटिव टेस्टियर सुपरलेटिव टेस्टियस्ट. हम इसके जो पॉजिटिव डिग्री है वो क्या होगी टेस्टी टी ए एस टी वाई. वाई को हमने हटा के या क्या बनाया था आई बनाया था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए. नाउ प्रिटी वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है तो प्रिटियर तो पी आर ई टी टी आई ई आर प्रिटियर एंड प्रिटीएस्ट. So, here we learn about the degrees of compression. So, positive degree, comparative degree, and superlative degree. So, here our topic is completed. And with this topic, our chapter number 9 is also completed. So, what we learn in this chapter? We read a story of butterflies and we learn about cardinal and ordinal numbers. We learn about uncountable things and the most important thing we learn about the life cycle of a butterfly. So fill your worksheet with help of this video. Thank you.